अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। पुलिस और नीतीश जी का फेलियर है कि शराबबंदी के बाद भी जहरीली शराब, बाहर से शराब आता है और सैकड़ों की संख्या में अलग अलग जगह लोग मारे जाते हैं। तो अब ये कानून क्या ला रहे हैं, नहीं ला रहे, इसमें लोगों को उलझा रखा है। हमको इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। ये प्रशासन की ड्यूटी थी कि कोई कानून अगर बनाया गया है तो उसका पालन कराया जाए। कल बिहार में भी AK-47 चला है, कल बिहार में भी AK-47 चला है। नीतीश कुमार का दिल में ही उम्मीदवार पे 47 चला है। कल नीतीश कुमार कहते कुछ लोग तो गड़बड़ करते हैं, पुलिस उन पर कार्रवाई करती है। अब मुख्यमंत्री पर जब हमला हुआ, कहाँ कुछ लोग कर पाते हैं? ये तो ऐसा रेयर ही केस होता है। पूरे देश में देख लिया जाए तो इट्स वन ऑफ द रेयरेस्ट केस। ऐसी घटना तो पहले बिहार में किसी भी मुख्यमंत्री के साथ नहीं हुई। हमले में बिहार के लोगों की जान गई है, क्या कहेंगे पुलवामा के साथ की घटना? देखिए, बिहार के लोगों की अगर हत्या की गई है तो उसकी हम लोग निंदा करते हैं। बिहार के लोग पलायन करते हैं, मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं, पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, और वहाँ अब तो आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि वहाँ की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से केंद्र के हवाले है। और इसको लेकर के अगर कोई आतंकवादी घटना में अगर कोई हुई है तो इस पर तो सरकार कार्रवाई करनी चाहिए कि आगे दोबारा ना हो। एक सुरक्षित माहौल जो है वो बनाना चाहिए वहाँ के लोकल लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर के लगातार। प्लस आप देखिएगा, बिहार के लोग यूक्रेन में भी तो फंसते हैं, वहाँ क्यों गए थे लोग? क्योंकि पढ़ाई की यहाँ व्यवस्था नहीं। बाहर यहाँ बिहार के लोग हर दूसरा परिवार पलायन कर, क्यों नहीं पढ़ाई, दवाई और कमाई की व्यवस्था हम बिहार में करें?